तो बाबूलोग टारगेरियन हिस्ट्री में पेंटोस का बहुत सॉलिड रोल है और ये हमेशा टारगेरियंस के लिए लॉयल रहे हैं और हमेशा इन्होंने हेल्प ही करी है। आज इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटोस के बारे में बात करेंगे, ऑल्सो हाउ बलेरियन कनेक्टेड टू डेनेरिस चिल्ड्रन यानी ड्रोगोन, विसेरियन एंड रेगाल, एंड इस पे भी नजर मारेंगे रूट कॉज ऑफ लॉयलिटी ऑफ पेंटोस फॉर द टारगेरियंस। तो बाबूलोग ये गुत्थी शुरू होती है जब पेंटोस और टायरोस एगोन द कॉन्करर के पास उनकी वॉर में हेल्प करने के लिए मांग करने गए थे बिफोर द कॉन्क्वेस्ट, और यहाँ से पेंटोस और टारगेरियंस के रिश्ते काफी मजबूत होते हैं। जब एगोन ने बलेरियन को लेकर इनकी तरफ से लड़ा, लड़के उनके दुश्मनों के दांत खट्टे भी किए और उन्हें अच्छी जीत भी दिला। उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, शो की शुरुआत होती है पेंटोस, जहां रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क मिलकर टारगेरियंस का सफाया कर देते हैं, लेकिन डेनेरिस और विसेरिस ये दोनों भाग निकलते हैं, भागने में सफल होते हैं और पेंटोस में जाकर शरण लेते हैं, पनाह लेते हैं, और वहां जाके डेनेरिस की शादी खाल ड्रोगो से करा दी गई थी। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है पेंटोस का फॉर द टारगेरियंस, क्योंकि सातों किंगडम्स अब टारगेरियंस को के नामो निशान को मिटाना चाहते थे, लेकिन पेंटोस ने इनकी मदद करी क्योंकि एगोन द कॉन्करर के टाइम से पेंटोस से रिश्ते इनके अच्छे हुए थे। दूसरा जो तीन ड्रैगन डेनेरिस के हमें देखने को मिलते हैं शो में, ड्रोगोन, विसेरियन एंड रेग, बाबा इसमें भी पेंटोस का ही हाथ है उन्हें सेफली यहां तक पहुंचाने का, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स तक पहुंचाने का, क्योंकि इन 54 एसी ड्रीम फायर के तीन अंडे चोरी करे गए थे अलीसा फरमान नाम की बंदी ने, जो अच्छी फ्रेंड थी रेना टारगेरियन की, जो उस समय ड्रीम फायर राइड करती थी, और अंडे चुरा कर पेंटोस को भाग गई और उन्हें वहां पर अच्छे दामों में भी बेचा। उसके बाद किंग जहरिस टारगेरियन अपने ड्रैगन वर्मिथोर और रेना टारगेरियन दोनों पेंटोस को जाते हैं, छानबीन करते हैं, पर उन्हें अंडे नहीं मिलते और वो तीन अंडे हमें गेम ऑफ थ्रोन्स फर्स्ट सीजन में देखने को मिलते हैं, जो हो ना हो बलेरियन की औलाद ही होंगे, क्योंकि उस समय बलेरियन और ड्रीम फायर को एक साथ काफी देखा गया। दूसरा जो ड्रैगन का रंग रूप है वो फुल मैचअप करता है बलेरियन को, जो ब्लैक ड्रीड है, और जो एटीट्यूड है ड्रोगोन का, वो जो खूंखार एटीट्यूड, वो भी बलेरियन से ही मैच करता है। बाकी पेंटोस से और भी कनेक्शन रहे हैं, जब एगोन मर गया तो एनिस टारगेरियन को किंग बनाया गया, एगोन की दो औलाद थी मेगा टारगेरियन और एनिस टारगेरियन, जिसके बाद एनिज मेगार को भगा देता है वहां से और वो पेंटोस जाके रहते, देन वो वहां जाके वहां से शादी करता है, तो और स्ट्रॉन्ग रिलेशन फिर पेंटोस से हो जाते हैं। देन उसके बाद ड्यूरिंग द डांस ऑफ द ड्रैगन डेमन और लीना वलेरियन, उसके दो जो सेकंड वाइफ थी, ये लोग भी कुछ समय तक वहां पेंटोस में रहते हैं आफ्टर द मैरिज, और डेमन की जो दोनों बेटियां हैं उनकी भी पैदाइश पेंटोस में ही हुई थी, बेला टारगेरियन और रेना टारगेरियन। उसके बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में रेनीरा अपने छोटे छोटे बच्चों को और उनके ड्रैगन एक्स को पेंटोस भेजती है उनकी सेफ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि घुसपैठियों का खतरा बहुत हद तक बढ़ चुका था आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ रेनियर टारगेरियन। जब सर एरिक उसे मारने के लिए अटेम्प्ट करता है तो वो काफी घबरा चुकी थी और अपने बच्चों को पेंटोस भेजती। तो अब पेंटोस का बहुत बहुत सॉलिड रोल है टारगेरियंस को बार बार पुनर्जीवन दान देने के लिए। अगर पेंटोस ना होता तो डेनेरिस ना देखने को मिलती, ना उसके बाद ड्रैगन देखने को मिलते हमें, और ना हमें ये गेम ऑफ थ्रोन्स देखने को मिलता, और उसके बाद ना हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने को मिलता, ना ड्रैगन वॉर देखने को मिलती। तो इसका बहुत सॉलिड रोल है, हेल पेंटोस। बाकी वीडियो कैसी लगी भी नीचे कमेंटों से जरूर बता के जाना, और यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद ही आई होगी, लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।